हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली गई है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, मिस EPFO द्वारा, जो कि है आपके सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसके लिए आप कर पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की फुल डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो फ्रेंड्स आपकी स्टार्ट होगी 27 जून 2019 से और ये आपकी चलेगी 21 जुलाई 2019 तक। इसके जो आपके कॉल लेटर हैं वो 21 अगस्त 2019 से 1 सितंबर 2019 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं और 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। मेन एग्ज़ाम या फिर कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट जो है वो आपका बाद में डिक्लेयर होगा, ये आपका कब होने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी जनरल, EWS, SC, ST, OBC, पर्सन विद बैचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विस मैन में डिवाइड की गई है, जो कि रीजन वाइज है। तो यहाँ पर देखिए आपको रीजन दिया गया है, साथ में आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो आपकी डिटेल है वो आपको दी गई है। जैसे बात करें हरियाणा रीजन की, तो यहाँ पर जो कवर करता है जो आपका रीजन है, जो आपका स्टेट है, वो कौन सा है, हरियाणा। तो यहाँ पर जो है आपको SC, ST, OBC की आपको डिटेल दी गई है, बिहार रीजन, दिल्ली रीजन, गुजरात रीजन, गोवा रीजन, तो जो भी रीजन आपको यहाँ पर दिया गया है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे तक आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी, तो आपका जो भी रीजन है आप इसमें देखकर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2189, मतलब 2189 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करें आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइन दी गई है, साथ में इसका ऑनलाइन फॉर्म का जो वीडियो है फिलअप का वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी LGT क्राइटेरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो जो भी आपसे एलिजिबिलिटी मांगेगा वो इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म फिलअप की, मतलब 21 जुलाई 2019 तब तक ही काउंट होगी। जिनका फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो फ्रेंड्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रिजल्ट 21 जुलाई 2019 तक जारी हो जाता है तो ही आप इसमें एप्लीकेबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें एज लिमिट के बारे में, तो 18 से 27 साल आपकी उम्र रहेगी। इसके अलावा SC ST OBC जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको जो छूट मिलती है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है अपर एज में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास स्पीड होनी चाहिए डाटा एंट्री वर्क के लिए, जो कि 5000 की डिप्रेशन पर आवर की होती है, क्योंकि इसमें आपका जो है स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको एज ग्रुप दिया गया है, साथ में जो अपर एज में छूट मिलने वाली है, किस कैटेगरी के हिसाब से कब तक आपका जो जन्म है वो होना चाहिए उसकी डिटेल आपको दी गई है, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलता है एज में उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की फुल डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। डिजायरेबल यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का, जो कि आपके पास में होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। यदि नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन फीस है तो वो SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये फीस रहेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें ऑल अदर कैटेगरीज की, तो जनरल OBC मेल कैंडिडेट ही यहाँ पर बचेंगे, उनके लिए 500 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्या है कि अगर SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर जो आपका फीस फर्स्ट एग्जामिनेशन है उसके बाद आपके जो ये बैंक चार्ज जो आपसे लिया जा रहा है वो आपको रिफंड भी किया जा सकता है। अगर बैंक जो ट्रांजेक्शन लगेगी उसको छोड़कर सिर्फ 250 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, पर जो अदर कैटेगरीज हैं उनको कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा और ये फीस जो है सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही जमा करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए तो फेज फर्स्ट जो है आपका प्री एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम में क्या है आपका, तो यहाँ पर ये तीन भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है आपका, इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपके यहाँ रहेंगे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 35-35 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। मतलब 100 नंबर का जो पेपर है आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी और 1:10 का यहाँ पर रहेगा, जो कि आपके फेज टू में जाएगा, जो कि इसका मेन एग्ज़ाम है।
यहाँ पर इसको चार भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि रीजनिंग इंटेलिजेंस है, जनरल या इकोनॉमी या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है और क्वांट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है आपके 150 रहेंगे, पर मार्किंग सिस्टम आपकी यहाँ पर 200 रहेगी। टोटल नंबर ऑफ जो ड्यूरेशन है आपको टाइम, वो 2 घंटे का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें साथ ही फ्रेंड्स आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी यहाँ पर रहेगा, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज विद एम्फेसिस ऑन कॉम्प्रेंशन एंड एनालिसिस, इसमें आपके लेटर राइटिंग, कॉम्प्रेशन ये आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर्स के। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 153 क्वेश्चन हो गए आपके 230 मार्क्स के। 2 घंटे 45 मिनट का समय आपको यहाँ पर ओवरऑल मिलने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, मीन्स कंप्यूटर डाटा एंट्री टेस्ट, इसके लिए 1:5 यहाँ पर जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इस टेस्ट के लिए। इसके बाद ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको रीजन दिया गया है, उस रीजन के हिसाब से स्टेट या यूनियन टेरिटरीज आपको दी गई हैं। यहाँ पर प्री एग्जाम सेंटर, मेन एग्जाम सेंटर आपको दिया गया है, और जो इसका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है उसके बारे में बाद में डिटेल आपको जारी कर दी जाएगी। इसके साथ फ्रेंड्स आप जो है किसी भी रीजन से, किसी भी टेरिटरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिस रीजन से आप अप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसी रीजन की जो वैकेंसीज है उनके लिए ही आप एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप आराम से चेक कर लीजिएगा, आराम से जहाँ से आप एलिजिबल हैं, जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, वही आप यहाँ पर इसको अप्लाई प्रोसेस इसकी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी की डिटेल के बारे में हम तब बात करेंगे जब इसका ऑनलाइन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का वीडियो यहां पर आपका एक्टिवेट कर देंगे, यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद के लिए आपको जब नोटिफिकेशन सेक्शन है, इसका जो भी डिटेल है, वेबसाइट लिंक है, वो सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। वहां पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं, एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे।